ये पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। वैसे अगर रहस्य मंदिर के अंदर होता है तो उसे चमत्कार का नाम दिया जाता है, और भारत में ऐसे अनगिनत चमत्कार देखने को भी मिलते हैं। और भारत के सबसे चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिरों में से एक है भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर। हर साल लाखों लोग तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र होते हैं। मान्यता यह भी है कि भगवान बालाजी अपनी पत्नी पार्वती के साथ तिरुमला में निवास करते थे। पर यह मंदिर सबसे चमत्कारी मंदिर क्यों माना जाता है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पैक चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिरुपति बालाजी के चमत्कारों और रहस्यों पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तिरुपति बालाजी की ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहां आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। पर इस मंदिर के रहस्य क्या हैं? अगर आप भी यही जानना चाह रहे हैं तो चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं इस मंदिर के रहस्यों की लिस्ट पर। तिरुपति बालाजी के रहस्यों की इस लिस्ट में नंबर एक पर आता है मूर्ति पर लगने वाले असली बाल। अगर लोक मान्यताओं की माने तो कहा जाता है कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता यह है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान यहाँ खुद विराजमान हैं। और अगर विज्ञान की माने तो वे बाल इंसानी ही नहीं हैं, लेकिन वे वहाँ कैसे लगे इस बात का विज्ञान पे कोई जवाब नहीं। पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस लिस्ट में नंबर दो पर आता है समुद्र की लहरों की ध्वनि। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान वेंकटेश की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। पर मूर्ति नम क्यों रहती है इस बात का सटीक जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं। पर आपके अनुसार मूर्ति नम क्यों रहती है हमें अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। इस लिस्ट में नंबर तीन पर आता है अद्भुत छड़ी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे की दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल अवस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। इस लिस्ट में नंबर चार पर आता है सदैव जलता हुआ दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। अब आप कहेंगे कि दिया जलने में हैरानी की क्या बात है, तो आपको बता दूं कि इस दिए में ना ही कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था, और वैज्ञानिकों को भी नहीं पता कि ये दिया कैसे जल रहा है। पर आपको क्या लगता है दिया कैसे जल रहा होगा और इसे किसने जलाया होगा? हमें अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार भी रहेगा। इस लिस्ट में नंबर पांच पर आता है मूर्ति की दिशा, मूर्ति मध्य में या दाईं ओर। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। कितनी अद्भुत बात है ये। इस लिस्ट में नंबर छह पर आता है पचाई कपूर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो जब पचाई कपूर को किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह कुछ ही समय बाद चटक हो जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर कोई असर ही नहीं होता। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सदियों से
पचाई कपूर को भगवान की प्रतिमा पर लगाया जाता था और आज तक प्रतिमा पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पर ऐसा क्यों दोस्तों? इस बात का जवाब ना तो हम इंसानों के पास है और ना ही विज्ञान के पास, पर अगर आपको पता हो तो हमें जरूर बताइए। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है गुरुवार को लगाए जाने वाला चंदन का लेप। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवा कर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर कर आती है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है नीचे धोती और ऊपर साड़ी। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता यह है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इस कारण ऐसा किया जाता है। पर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस लिस्ट में नंबर 9 पर आता है अनोखा गांव। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर एक गांव है और यहां बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहां पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फूल, फल, दूध, दही और घी यह सब यहीं से आते हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है मूर्ति को आने वाला पसीना। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है और इसके पीछे मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है कि उनके शरीर पर पसीनों की बूंदें दिखाई देती हैं और उनकी पीठ भी नम रहती है। वैसे विज्ञान के पास तो इसका कोई जवाब नहीं, पर क्या बालाजी को सच में गर्मी लगती है? आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।